अब ये कुछ भी नहीं है। कल रात में 9:30 बजे से जो ट्रॉफिक थी, रात के 11:30 बजे तक नॉन स्टॉप ट्रॉफिक थी भाई। चार पुलिस वाले क्या कर लेंगे बोलो आप? बस्ती के बच्चे बहर के जोश है कि पूरा इधर उधर ट्रॉफिक को हटाना करना। 6-8 तो बस्ती के बच्चे ठहर गए थे। तो अब सबको अपने अपने लगे हुआ है जाने के। 3-4 दुल्हना, 2 दूल्हे कल रात में जाम हुए तो पुराने शहर हैदराबाद के फलकनुमा ब्रिज से मुत्तसिल ब्रिज की तामीर के लिए फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज को 6 माह के लिए बंद करते हुए राहगीरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत जारी की जा चुकी है। लेकिन जिन मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करने के लिए रहनुमाई की जा रही है, इन मुतबादिल रास्तों को बेहतर बनाने और इन रास्तों पर ट्रैफिक निजाम को दुरुस्त करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फलकनुमा रेलवे ब्रिज को बंद किए जाने के साथ ही इंजन बॉली से वट्टेपल्ली और औरमगड्डा बंडागुड़ा सड़क पर ट्रैफिक में गैरमामूली इजाफा देखा जा रहा है। मगर वट्टेपल्ली और बीबी का चश्मा इलाके में सड़क की तामीर के काम जारी रहने के सबब इस सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहने लगी है। इसी तरह फलकनुमा रेलवे ट्रैक की दूसरी जानब पहुँचने के लिए दूसरा रास्ता उपूगुड़े से जो कि लाल दरवाज़ा या जंगमेट से होकर गुजरता है, लेकिन छावनी गुलाम मुर्तुजा के पास पाइपलाइन की तनसीब के सिलसिले में की गई खुदवाई के सबब राहगीरों को इस इलाके की सड़क के इस्तेमाल में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। औरमगड्डा और वट्टेपल्ली के अलावा अतराफ के इलाकों के अवाम की जानिब से महकुमा पुलिस बिलखसूस ट्रैफिक पुलिस से इस बात की ख्वाहिश की जा रही है कि वह इस सड़क पर आइंदा 6 माह के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त में होने वाली मुश्किलात और ट्रैफिक जाम से इस सड़क को महफूज बनाने के लिए इकदाम को यकीनी बनाएं, क्योंकि अचानक ट्रैफिक बढ़ जाने के सबब सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है और बड़ी गाड़ियां जो इस इलाके से नहीं गुजरती थी वो अब यहां से गुजरने लगी हैं, तो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुकामी अवाम को भी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अगर महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस सड़क पर ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के इकदाम किए जाएँ तो मुकामी अवाम और राहगीरों को दरपेश मुश्किलात काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। डबल बेडरूम के पास जाना है, क्या है? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आरमगढ़ से आ रहा हूँ जी, लेकिन मेरे को कोई ये रोड बोले नहीं। ये पूरा रोड कर रहे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कोई बताने वाले रोड नहीं है। अभी मेरे को उधर बहुत दूर घूम के जाना पड़ेगा। अभी मेरे को आइडिया भी नहीं है, यहाँ पे कोई बोलने वाले भी नहीं है। यहाँ पे शायद ये काम जल्दी हो गए तो अच्छा होता है। ये पैदल जाने वालों को और गाड़ियों में जाने वालों को बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई एडवाइस नहीं कर रहे और कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे। आप देखें कितना लेडीज़ की कितना तकलीफ़ हो रहा है जी। जी, और आपका कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? ये काम कितना जल्द से जल्द अगर काम हो गया तो बहुत अच्छा रहता है भाई। थैंक यू।